चिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा के शिक्षा वन एवं पर्यटक मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी को आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ है फन फेयर महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने का। मोहन राणा जी के साथ साथ उनकी टीम की ओर से फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ फूलों का जो बुके है वो उन्हें भेंट किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं फन फेयर महोत्सव के बिल्कुल बाहर मेन एंट्री से कि किस तरह से चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी का भव्य स्वागत यहाँ लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। अंदर से आपको फन फेयर महोत्सव की हम झलकियां दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कितना अल्टीमेट है। संडे है, संडे का दिन सुपर संडे में बदल चुका है क्योंकि जिला यमुनानगर में बढ़ती गर्मी के चलते एक बार फिर से मौज मस्ती करने का समय वापस आ चुका है। तो अभी देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और फन फेयर महोत्सव में जल्दी जल्दी से अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ संपर्क कर पहुँचे क्योंकि ये मौज मस्ती आप लोग भी कर सकते हैं। तो आपको लाइव झलकियाँ इस समय की जिला यमुनानगर के लोटस वैली स्कूल के बिल्कुल पास के फन फेयर महोत्सव से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों को भी यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है क्योंकि मोहन राणा आयोजक के कारण जो जिला यमुनानगर में हर कुछ समय के बाद फन फेयर महोत्सव लगाया जाता है जिसमें लोग जो है बढ़ चढ़कर अपना टैलेंट भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं फन फेयर महोत्सव के मोहन राणा जी बच्चों को। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नृत्य के द्वारा अपनी जो कला है उसे उभार कर बाहर लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियाँ हैं इनकी कुछ खास उम्र नहीं और किस तरह से दंगल की प्रस्तुति दे रही हैं। आप देख सकते हैं पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर दंगल का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी के यहाँ पर पहुँचने पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपने टैलेंट को उभार कर बाहर दिखा रहे हैं। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी बच्चे जो हैं अपने टैलेंट को उभार कर बाहर लेकर आते हैं और साथ ही साथ जो बच्चों के माँ बाप हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी प्राउड फीलिंग आती है कि मोहन राणा जी की वजह से उनके बच्चों को एक अच्छा स्टेज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो तस्वीरें इस समय की आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं संडे का दिन सुपर संडे में बदल चुका है। बहुत ही दूर दूर से लोग मौज मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस फन फेयर महोत्सव में पहुंचते हैं क्योंकि हर प्रकार का आपको सामान इसके अंदर भी परचेज करने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्गों के समय में जिस पे वो जिन कुर्सियों के ऊपर वो बैठा करते थे वो कुर्सियां भी आपको शीशम और आम की लकड़ी के बनी हुई इसी ट्रेड फेयर में बहुत ही सस्ते दाम में मिल सकती हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से यहाँ पर आए और अपने घर की सजावट के लिए जो सामान है यहाँ से खरीद कर लेकर जाएँ क्योंकि बहुत ही कम दाम में बाहर से बहुत ही कम दाम में आपको यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सामान भी मिल सकता है। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से आप लोग यहाँ पर पहुँच और मौज मस्ती आप भी इन लोगों की तरह कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय की फन फेयर महोत्सव के स्टेज से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों की उम्र कुछ खास नहीं है और किस तरह से जो अपना टैलेंट है उसे उभार कर बाहर लेकर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी स्टेज पर बच्चों को अपनी कला को दिखाने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं जिन्हें आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उनके साथ साथ जो नितिन जी हैं भाजपा से कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको इस समय की दिखा रहे हैं फन फेयर महोत्सव से। हर बार की तरह इस बार भी आपके जिला यमुनानगर के लोटस वैली 18 सेक्टर स्कूल के बिल्कुल पास ट्रेड फेयर लग चुका है तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं क्योंकि आप लोग भी अगर अपना बचपन दोबारा से जीना चाहते हैं तो फन फेयर महोत्सव में जल्दी से जल्दी अपने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए पहुँचे क्योंकि बच्चों की बहुत स्पेशल जो डिशेज हैं जैसे कि बेल पूरी, बर्फ़ का गोला, हर प्रकार की चीज़ें आपको खाने पीने की यहाँ पर मिलेंगी और साथ ही साथ माथुराम की हलवाई की जो जलेबी है, जलेबी नहीं बल्कि उसे तो जलेबा ही बोला जाएगा क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, खाया भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर देसी घी की प्योर बनी हुई जलेबी का स्वाद भी आप लोग चखना चाहते हैं तो ट्रेड फेयर के इस ट्रेड फेयर में जरूर पहुंचे क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सिर्फ यहीं पर ही मिल सकती हैं खाने पीने के लिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो झूले हैं उनका भी हर बार की तरह इस बार भी खास प्रबंध किया गया और खासकर हमारा स्वच्छता अभियान को देखते हुए साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया है, चारों तरफ साफ सफाई की व्यवस्था है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, बहुत से लोगों की तमन्ना होती है कि हम लोग ऊँट की सवारी करें लेकिन हम लोग राजस्थान नहीं जा सकते तो अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोजक मोहन राणा जी की वजह से आपको आपके खुद के चिला यमुनानगर के ट्रेड फेयर में राजस्थान के खास पशु की सवारी करने का भी मौका मिल सकता है। बहुत से लोगों की तमन्ना होती है कि हम लोग ऊंट की सवारी करें साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेल्फी लें।
तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड फेयर में आपको हर प्रकार की चीज यहाँ पर मस्ती करने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को किस तरह से चौधरी कंवरपाल गुंजर जी के द्वारा अभी सम्मानित किया जाएगा। आप लाइव तस्वीरें इस समय की ट्रेड फेयर के स्टेज से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां किस तरह से चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी छोटी उम्र है इन बच्चों की और इनकी कला को देखते हुए उसके बाद आप देख सकते हैं कि शील्ड के द्वारा जो है चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी की ओर से इन बच्चियों को छोटी छोटी बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस समय के स्टेज से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रेड फेयर एक बार फिर से आप लोगों के जिला यमुनानगर में लग चुका है, तो आप लोग भी अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यहां पर पहुंच कर इन लोगों की तरह मस्ती कर सकते हैं। संडे का दिन है, संडे तो खासकर सुपर संडे में बदल जाता है क्योंकि बहुत से लोगों का संडे ऑफ होता है, तो उन लोगों को हर दिन अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो संडे इसीलिए सुपर संडे में बदल जाता है क्योंकि अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हर कोई बाहर एंजॉय करने के लिए निकलता है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का जो खास पशु है ऊंट, ऊंट की सवारी करने का भी यहाँ पर लोगों को जो है भरपूर लाभ मिलता है। आप देख सकते हैं लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, ऊंट को देख सकते हैं आप कितनी कितने सुंदर तरीके से ऊंट को सजाया गया है। इसी इसकी सजावट को देकर ही लोग इसके ऊपर जो सवारी करने वाले बैठते हैं वो साथ ही साथ अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेल्फी लेते हैं। जी हाँ, सेल्फी लेते हैं क्योंकि ये यादगार पल हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में कैद हो जाते हैं क्योंकि याद रहता है कि ये सेल्फी हमने ट्रेड फेयर में ली थी। तो आप देख सकते हैं अक्सर लोगों का मन करता है कि हम लोग ऊंट की सवारी करें, तो राजस्थान के इस पशु की सवारी का आनंद लेना चाहते हैं, अगर इस ऊंट के ऊपर बैठना चाहते हैं, अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी फन फेयर महोत्सव में आ सकते हैं और इस ऊंट की सवारी को जो है पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान का अब ये जो पशु है आपके खुद के जिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव में पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कि जो ऊंट है ऊंट को कितने सुंदर तरीके से जो है सजाया गया है। तस्वीरें इस समय की आपको लगातार जिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव से दिखा रहे हैं, तो देरी मत कीजिए, आप लोग जल्दी से प्लान कीजिए और इस फन फेयर महोत्सव में पहुंचिए। मेले की सबसे स्पेशल दुकान पर हम पहुंच चुके हैं, माथुराम हलवाई जलेबी वाला। जी हाँ, गोहाना की मशहूर देसी घी से बनी हुई ये जलेबियां हैं। अक्सर आप लोगों ने जलेबियां खाई होंगी लेकिन जो प्योर देसी घी है, देसी घी से बनी हुई जलेबियां शायद ही आपने बहुत कम खाई होंगी। तो अगर इस जलेबी का स्वाद चखना चाहते हैं तो अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ संपर्क कर इस माथुराम हलवाई वालों की शॉप पर जरूर पहुंचे। इस मौके को मत गवाइए क्योंकि दोबारा से ये पल नहीं आने वाले हैं। तो जिला यमुनानगर में एक बार फिर से फन फेयर मेला लग चुका है और एक बार भैया से भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि पहले भी भैया से बातचीत की थी जब पहले मेला लगा था सिटी सेंटर में। एक बार दोबारा से जान लेते हैं कैसा लग रहा है भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे को अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। लोग पहले की तरह स्वाद चख रहे हैं? हाँ, ऐसे ही चख रहे हैं। तो वही देसी घी से बनी ही जलेबियां हैं, इस बार कुछ अलग लेकर आए हो? नहीं नहीं, वही है जी, देसी घी बेसन मैदा जी। बल्कि जलेबी नहीं, जलेबा बोलेंगे इसको, तो बड़े साइज का। हाँ, हमारे लिए तो जलेबी है जी, आप लोगों के लिए जलेबा। तो खाकर चेक भी करेंगे हम लोग की कैसा स्वाद है इसका। तो भैया जो है हमें ये देसी घी से बनी हुई जो जलेबी है इसका स्वाद चखा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्वाद है इसका, एक तरह से सुपर औसम अगर इसे बोला जाए। ऐसी जलेबी कहीं पर भी आपको जिला यमुनानगर के किसी भी रेडी पर नहीं मिलने वाली है। अगर इस जलेबी का, जलेबी नहीं जलेबा बोलेंगे क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो इसलिए जलेबी तो कहेंगे नहीं, तो अगर इसका स्वाद चखना चाहते हैं इस फन फेयर महोत्सव में जल्दी आइए। ये जलेबी अभी तो आप मुझे चैनल के माध्यम से खाते हुए देख रहे हैं, तो अगर रियलिटी में ऐसा मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, भैया से मिलना चाहते हैं रूबरू, तो यहाँ पर जल्दी से पहुँचिए और इस जलेबी को आप लोग भी खा सकते हैं। देख सकते हैं कि मेले के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो सॉफ्ट टॉयज हैं बच्चों के फेवरेट और स्पेशल खिलौने, उनकी भी एक बहुत सुंदर यहां पर जो है दुकान लगाई गई है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, बच्चे बहुत ही शौक के साथ इन खिलौनों को जो है यहां पर अपने अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है परचेज कर रहे हैं। तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव से दिखा रहे हैं, लोकेशन आपको बता रहे हैं, आपके खुद के शहर जिला यमुनानगर के 18 सेक्टर लॉटस वैली स्कूल के बिल्कुल पास में ही फन फेयर मेला जो है लग चुका है। आप देख सकते हैं बच्चों का तरह तरह का खेलने वाला जो सामान है, जो सॉफ्ट टॉयज हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से जो है दर्शाए गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं।
नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के 18 सेक्टर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से आपके खुद के जिला यमुनानगर में फन फेयर मेला लग चुका है। जी हां, एक तरफ तो गर्मी का जो तापमान है वो रिकॉर्ड तोड़ चल रहा है, आप सभी भी बहुत परेशान है बढ़ती गर्मी को लेकर, लेकिन आप परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके खुद के जिला यमुनानगर में फन फेयर मेला एक बार फिर से मोहन राणा जी की बदौलत लग चुका है। बाहर से आप जो है लुक देख सकते हैं, राज घरानों जैसी जो लुक है यहाँ की, अट्रैक्टिव करने वाली लुक है। जी हाँ, आई लव यमुनानगर, कितना सुंदर यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है यमुनानगर को लेकर, और मेन एंट्री से आपको फन फेयर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मेन एंट्री पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी नारी शक्ति है वो किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी दे रही है। एक तरफ तो घर में अपने बच्चों को संभालती है और रात के समय आप देख सकते हैं कि किस तरह फन फेयर में ड्यूटी देती है। तो नारियां भी आज हमारी पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में, हर दिशा में बात करें तो नारी हर जगह पुरुषों के साथ, बल्कि यही कहना होगा कि पुरुषों से ज्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। तस्वीरें आप अंदर की देख सकते हैं कि किस तरह से फन फेयर महोत्सव आपके खुद के अपने जिला यमुनानगर में शुरू हो चुका है। पहली बार मेले में आपको कुछ अलग सा दृश्य देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको घर की सजावट के लिए शीशम और आम की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर को परचेज करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना अलग अलग तरह का, सुंदर सुंदर तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्नीचर है यहाँ पर रखा हुआ है। एक छोटा सा फर्नीचर की जो ऐसा बोला जाए कि दुकान यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्गों के टाइम में जो चेयर्स, जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठते थे, आज वही सेम कुर्सियाँ आपको इस फन फेयर मेले में मिलने वाली हैं। तो देरी मत कीजिए, जिला यमुनानगर के फन फेयर मेले में आप लोगों को भी पहुँचने का मौका मिल सकता है। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क कर जिला यमुनानगर के 18 सेक्टर लोटस वैली स्कूल के बिल्कुल पास फन फेयर महोत्सव लग चुका है, क्योंकि बढ़ती गर्मी से हर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फन फेयर मेले के अंदर किस तरह से यहाँ पर दुकानें सजाई हुई हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं, किस तरह से सामान परचेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर कोई यहाँ पर सामान परचेज करने के लिए भी पहुँचा हुआ है, क्योंकि मेले में कभी कभी हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। तो एक सुंदर सी फैमिली है हमारे साथ यहाँ पर, एक बार मैम से भी जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज मेले में पहुँचे हैं आप? आज पहली बार ही आए जी, पहली बहुत बार अच्छा लग रहा है यहाँ। कहाँ से आए हैं मैम? यहीं जगाधरी से ही आए। किसके साथ आए मैम? हस्बैंड के साथ। तो कैसा लग रहा है मैम यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी है एक तरफ बहुत ज्यादा, और दूसरी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। खरीदारी हो रही है? हाँ जी, कुछ खरीदा अभी तक? हाँ जी, बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ खरीदा। चलिए, बच्चों का तो फेवरेट होता है ना मेला, आपको कैसा लग रहा है मेले में आकर? बाहर घर जाने का मन नहीं कर रहा, दोबारा से आने का विचार है? हाँ। झूले लिए आपने? नहीं, अभी तक नहीं लिए। तो झूले ही तो बच्चों के फेवरेट होते हैं, झूले क्यों नहीं लिए? ये मेरे भाई की शौक ही नहीं हो रहे पूरे, शौक ही नहीं पूरे हो रहे। वाह, देखो एक बहन किस तरह से अपने भाई के ऊपर ब्लेम कर रही है कि उसके तो शौक ही नहीं पूरे हो रहे हैं खरीदारी को लेकर। तो झूलों की फुर्सत तो अभी इन लोगों की अधूरी रह चुकी है, झूले लेने का तो अभी तक इन लोगों को समय ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं बड़े सुंदर सुंदर जो दुकानें हैं यहाँ पर सजाई गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही दूर दूर से जो दुकानदार हैं, अदर स्टेट की भी अगर हम बात करें तो बहुत दूर से चलकर यहाँ पर दुकानें सजाने का इन्हें हर बार की तरह इस बार भी मौका मिला है। देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ के जो प्राइस है वो बाहर के प्राइस से बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, और मेले में खरीदी हुई चीज़ें तो ज़िंदगी में हमेशा यादगार बनकर रह जाती हैं, क्योंकि पता चलता है कि हम लोग मेले से ये सामान खरीद कर लाए हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर बड़ा सुंदर लाइटिंग वाले जो खिलौने हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिला यमुनानगर के 18 सेक्टर लोटस वैली स्कूल के बिल्कुल पास से फन फेयर महोत्सव से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घर को चार चांद लगाने वाला जो सामान होता है, जिससे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, वो सामान भी यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गर्मी का तापमान तो रिकॉर्ड तोड़ चल रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं होती है, क्योंकि इतनी बढ़ती गर्मी में कोई घर से बाहर निकल कर खुश नहीं है। लेकिन खुद के जिला यमुनानगर में फन फेयर महोत्सव आ चुका है, तो अब कहीं ना कहीं लोग जो है मेले का आनंद लेने के लिए अपने अपने घरों से निकलने वाले हैं। तो एक बार जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर आए हैं, अपनी दुकान को लगाई है इन्होंने, ये कहाँ से आए हैं, पहली बार आए हैं या पहले भी मौका मिला है, तो एक बार इनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हम लोग सहारनपुर से आए हैं, सहारनपुर शगुन हैंडीक्राफ्ट से जी।
और यहाँ पे रिस्पांस तो हमें अच्छा मिल रहा है, पब्लिक भी जो है सही आ रही है। लेकिन गर्मी है, गर्मी की वजह से क्या है कि देर से पब्लिक आना शुरू होती है, लेकिन पब्लिक जो है बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। पहली बार आए हैं या पहले भी मौका नहीं? हम लोग पहले भी जिंदल गार्डन में कर चुके हैं जी हाँ। तो प्राइस को लेकर प्राइस तो हमारे यहाँ जो सहारनपुर के प्राइस है सेम वही प्राइस है, चाहे आप सहारनपुर से बिल्कुल लो प्राइस आएंगे किसी में वो नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। जो मार्केट में प्राइस है उससे कितना यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है सर? जो मार्केट में हमारी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है की। अच्छा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो लोग ले रहे हैं एकदम ले रहे हैं, सबको मालूम है कि बहुत ही लो प्राइस है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि घर को सुंदर बनाने के लिए जो सामान है यहाँ पर अलग अलग तरह का, अलग अलग वैरायटी का, वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलने वाला है। और सबसे ज्यादा हम जब भी कहीं पर जाते हैं, खेल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे पेट के अंदर ही जो है चूहे कूदते हैं कि हम लोगों को कुछ खाना है, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए कहीं पर भी कोई भी हमारी जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो सफल नहीं होती। आप देख सकते हैं लोग जो है किस तरह से यहाँ पर अपने अपने बच्चों को गोला, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो देख सकते हैं कि गोला, जो चुस्की वाला गोला है, उसका किस तरह से जो है आनंद ले रहे हैं, बर्फ के गोले का आनंद ले रहे हैं। एक तरफ तो बेलपूरी खाई जा रही है, तो जान लेते हैं कैसा स्वाद लग रहा है इस बेलपूरी का। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम बहुत अच्छी लगी यहाँ पे आके, बहुत अच्छी बेलपूरी है। फैमिली के साथ आई है? हाँ जी मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत चल रही है? गर्मी बहुत है, गर्मी नहीं है, महसूस नहीं हो रही ना? महसूस नहीं हो रही। झूले लिए आप लोगों ने? बहुत लिए, सब झूले लिए, बच्चे भी है। हाँ जी, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है गोला, बर्फ वाले गोले का आनंद ले रहे हैं। तो आंटी क्या कुछ कहना चाहेंगी इस उम्र में मेला देख रही हैं? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बचपन याद आ गया कहीं ना कहीं, सब कुछ। माँ बाप के साथ आप भी जाते थे झूले लेने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो बेलपुरी वाले हैं वो भी यहीं पर ही हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? यूपी से। मैं यूपी से आए हैं। किस? यूपी आगरा। आगरा से। कितने प्रकार की बेलपुरी है यहाँ पर? यहाँ तीन प्रकार की बेलपुरी है। तो जो स्पेशल बेलपुरी है आपकी दुकान की? स्पेशल खट्टा मीठा दोनों। लोग खा रहे हैं, स्वाद का आनंद ले। पहली बार मौका मिला यहाँ आने का या पहले भी लगा चुके? नहीं, पहले लगा चुके हैं। पहले लगा चुके हैं। चलिए अब देख सकते हैं कि जो बेलपुरी है तीन प्रकार की, आगरा की जो स्पेशल बेलपुरी है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो अगर इस बेलपुरी का स्वाद चखना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, जल्दी से यहाँ पर आकर विजिट करें। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ बर्फ के गोले की यहाँ पर दुकान लगाई गई है। तस्वीरें इस समय की लगातार आपको जिला यमुनानगर के 18 सेक्टर के लोटस वैली स्कूल के बिल्कुल पास से फन फेयर महोत्सव से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सामने हर बार की तरह मेन एंट्री से जो राइट साइड है, एक पान की दुकान हमेशा लगाई जाती है। और इस बार का जो पान की शॉप का जो नाम है वो है नवरत्न। अभी तक तो नवरत्न का नाम हमने तेल के ऊपर सुना था कि सर में लगाने वाले तेल की जो बॉटल है उसका नाम नवरत्न है, लेकिन इस बार फन फेयर महोत्सव में आप देख सकते हैं कि जो पान की शॉप है वो नवरत्न के नाम से है। मीठा तेरा ध्यान किधर है, मीठा पान इधर है, ये पंक्तियां हमें इसी फन फेयर महोत्सव में हमेशा सुनने को मिली हैं। तो एक बार अंकल जी से भी जानना चाहेंगे कि कहां से आए हैं यहां पर आकर दुकान जो लगाई है? सहारनपुर यूपी। यूपी से आए हैं? कितनी तरह का पान है ये? 9 तरह का पान है। 9 तरह मीठा है, फायर है, वो स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेटी है, फाइन एप्पल है, मैंगो है और लीची है। तो सबसे फेवरेट जो यहाँ का जो पान है आप लोगों का भी, या जो लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, वो कौन सा? मीठा नॉर्मल। मीठा नॉर्मल पान। तो पहली बार आए अंकल जी यहाँ? नहीं नहीं, पहले नहीं, भी नहीं लगा चुके हैं? पहले भी लगा चुके हैं। तो देख सकते हैं पहले भी पान की शॉप लगा चुके हैं, सहारनपुर से आए हैं। नवरत्न इसीलिए नाम है क्योंकि 9 प्रकार का यहाँ पर, 9 तरह का यहाँ पर जो पान है आप लोगों को खाने के लिए मिलने वाला है। सहारनपुर का स्पेशल पान है। तो सहारनपुर नहीं जा सकते तो जिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव में तो आप लोग जरूर आ सकते हैं इस पान का स्वाद चखने के लिए। और आप देख सकते हैं बच्चों की जो फेवरेट बबल्स हैं यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं आसमान के बीच में जो है उछाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है जन्नत में पहुंच गए। आप देख सकते हैं क्योंकि परियों के समय में ऐसी चीजें जो है अक्सर देखा करते थे टीवी में, लेकिन आज जिला यमुनानगर के इस फनफेयर महोत्सव में हमेशा की तरह आज भी हम लोगों को मजा आया इस बबल्स के अंदर नजारा लेने का। सबसे बड़ी एक और खासियत आपको इस फनफेयर महोत्सव की बताने जा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट। जी हाँ, सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं है और बहुत ही ज्यादा आपको फ्री समय में यहाँ पर आकर सेल्फी लेने का
का भी मौका मिल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थानी स्टाइल से लेकर हर प्रकार का जो रसोई घर का हमारा गांव के कल्चर का जो चूल्हा चौका है, हर तरह का आपको यहां पर वेन्यू दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी भी वेन्यू के आगे खड़े होकर आप लोग यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। और इसके कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सेल्फी लेने का यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कभी भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो जिला यमुनानगर के फन फेयर महोत्सव में हर बार की तरह इस बार आपको कुछ अलग सा जो है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट दिया गया है। बच्चों के जो फेवरेट झूले हैं आप देख सकते हैं, हर झूले को किस तरह से लाइटिंग के साथ डेकोरेट किया गया है। अक्सर ऐसी लाइटिंग दिवाली के समय में देखने को मिलती है, लेकिन फन फेयर महोत्सव जब भी जिला यमुनानगर में लगता है तो चारों तरफ जो है ऐसा लगता है कि रौनक ही रौनक हो चुकी है। दिवाली का समय आ चुका है, आप देख सकते हैं बच्चों का मिक्की माउस वाला जो फेवरेट झूला है किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। बच्चे जो हैं अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ आए? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा। बच्चा बहुत खुश है, झूले लेके। किसके साथ आए हैं आप? बच्चे के साथ आए। और फैमिली मेंबर्स नहीं आए? वो एक्चुअली बिजी थे। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है शहर में। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब कि सभी को आना चाहिए यहाँ पे ना। बिल्कुल, और अपने शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, बहुत अच्छा लगा। और 6 मंथ में मतलब होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से जो फैमिली मेंबर्स हैं अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, हर तरह का झूला भी ये लोग ले चुके हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री एवं पर्यटक मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने आयोजक मोहन राणा जी का आभार प्रकट किया है कि उनकी वजह से हर किसी का बचपन लौट आता है। तो सभी उनका जो है धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के चलते लोग जो हैं अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देख सकते हैं जो आयोजक मोहन राणा जी हैं उनकी द्वारा हर किसी को मौज मस्ती करने का किस तरह से मौका मिलता है, क्योंकि बुजुर्गों का भी एक तरह से बचपन लौट आता है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्योंकि फन फेयर महोत्सव में पहुंचने के लिए एज का कभी भी एज नहीं देखी जाती, हर किसी उम्र के जो लोग हैं यहाँ पर आकर मौज मस्ती कर सकते हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बाथ टब यहाँ पर बच्चों के लिए दिया गया है, एक तरह से स्विमिंग पूल है जिसके अंदर बच्चे बैठकर किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको इस समय के जिला यमुनानगर के 18 सेक्टर के पास से दिखा रहे हैं, दूर से आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, एक तरह से ट्रेन है या ड्रैगन वाला झूला इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं आपके खुद के जिला यमुनानगर में फन फेयर महोत्सव लग चुका है, तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी प्लानिंग कीजिए आप लोग भी अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, इस मेले का आनंद ले सकते हैं। अभी तो तस्वीरों में देख रहे हैं, तो अगर रियलिटी में देखना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए और इस फन फेयर का जो है पूरी तरह से मजा लीजिए, क्योंकि ये दिन वापस लौट कर नहीं आने वाले। आप देख सकते हैं ये दिन जो है वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं, तो अगर इन पलों को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आज संडे जो है सुपर संडे के रूप में बदल चुका है। लोग जो हैं आज यहाँ पर फुल मस्ती के साथ पहुँच चुके हैं एंजॉय करने के लिए इस फन फेयर महोत्सव को। तो तस्वीरें लगातार आपको जिला यमुनानगर के लोटस वैली स्कूल के पास के फन फेयर महोत्सव से दिखाने का प्रयास किया है। आगे की कुछ और झलकियां देखने के लिए हमारे साथ लाइव बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मेले का आयोजक श्री मोहन राणा जी और हमारे पार्षद राम आश्रय जी, संजय राणा जी, नितिन कपूर जी, दिनेश राणा जी, कौशल्य जांगड़ा जी, मेहता जी और उपस्थित सभी महानुभव, पहले तो मैं मोहन जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी चैनल वाले जो हैं मैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी शहरवासियों से कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है यहाँ पे, बच्चों को साथ लेकर आए हैं, उनके लिए जो एक टॉय ट्रेन है वो भी और झूले जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, और जो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम, मलखम का ऐसा कार्यक्रम शायद ही आपने कहीं देखा हो,
और उसके साथ साथ खरीदारी के लिए भी हैंडीक्राफ्ट का आयोजन किया गया है, जो हमारे कारीगरों के बनाए सामान है तो वो आपको देखने को मिलेंगे, खरीदने को मिलेंगे यहाँ पे। और खाने के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन। कुछ कहना चाहेंगे आज फनफेयर में पहुंचे? देखिए, मैं मोहन राणा जी को बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका बधाई भी देता हूं कि जिस प्रकार के मेले का आयोजन उन्होंने किया। वैसे मेले हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पुराने टाइम में सारा जो संस्कृति का आदान प्रदान और ख़रीदारी और दूसरे सारे थे मनोरंजन का साधन, ये मेले ही होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी नए टाइप के मेले जिनमें और नए प्रकार के गेम्स हैं, जो टॉय ट्रेन है, झूले हैं और दूसरे हैं वो भी हैं साथ, और जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सहारनपुर से और आसपास से लोग लेके आए हैं। तो जहाँ बहुत अच्छी ख़रीदारी के लिए भी अवसर मिलेगा और वहीं मैं समझता हूँ कि बच्चे यहाँ के बहुत खुश महसूस करेंगे, जिनके लिए बहुत दूर जहाँ तक जाना पड़ता था, तो मान लो दिल्ली जाते थे या कहीं और दूर से जाते थे, वहाँ बच्चे ऐसा इन्जॉय करते थे, तो वो अपने शहर में ही है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा लगेगा सभी को और मैं सभी भावुकों से निवेदन करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए देखें। तो सर कहीं ना कहीं आपके भी बचपन की यादें आज ताज़ा होगी होंगी, क्योंकि ऐसा ऐसे मेलों में आप भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर के साथ। हाँ, पहले खैर इतने अप टू डेट मेले तो थे, पर थे मेले। हाँ, तो हम भी उसमें चाट चूट खाने के लिए जाते थे कि वो बाहर कम मिलता था ना उस टाइम। अब उम्र नहीं रही उस प्रकार के, अब उम्र उस प्रकार के खाने की नहीं रही है। उस टाइम बड़ा अच्छा होता था खाने का। सर, ऐसे मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए? बहुत अच्छा है, आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत बड़ा योगदान था इन मेलों का। और मैं समझता हूँ समय की जरूरत है। एक तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिलती है, हैंडीक्राफ्ट की जो सामान है जिसके लिए आपको दूर जाना पड़ता है देखने के लिए या बहुत महंगे स्थानों पर जाना पड़ता है, वो आपको बिल्कुल यही नज़दीक उपलब्ध हैं आपकी ज़रूरत के। उन लोगों को काम भी मिलता है और आपको उपयोग की चीज़ें मिलती हैं। तो मेले की आन बान शान मोहन राणा जी, जिनकी वजह से हर किसी का बचपन लौट आता है, बचपन की यादें ताजा होती हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कहा जाता है कि जिंदगी की उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनका बचपन लौट कर नहीं आ सकता, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर फनफेयर महोत्सव में आपको हर किसी की जो उम्र है, यहाँ पर किसी की उम्र का कोई तकाजा नहीं है, हर किसी उम्र का जो व्यक्ति है यहाँ पर आकर इस मेले का जो है लुत्फ जो है उठा सकता है। तो मोहन राणा जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, जिनकी बदौलत हर किसी का बचपन लौट आता है। एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि आगे के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल भी ये लेकर आने वाले हैं या पहले की तरह ही फनफेयर में जो जो चीज़ें हमें दिखती हैं वही इस बार दिखेंगी। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कंवरपाल गुज्जर जी का कि वो हमारे कार्यक्रम में हमारे कहने से हमारे कार्य चीफ गेस्ट बनकर आए। और स्पेशलिटी की बात है तो इस बार जो है साफ सफाई आपको पहले से ज़्यादा नज़र आ रही होगी और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल, लोगों को पिछली बार लग रहा था कि स्टॉल नहीं लग रहे हैं, खाली झूले लग रहे हैं, क्योंकि क्या कोरोना की वजह से जो ये लोग हैं ये घर बैठ गए थे, लेकिन अब ये भी आए हैं और हर तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, ख़रीदारी का पूरा बंदोबस्त है। इसके अलावा झूले हर तरह के हैं और दो जॉइंट व्हील लगे हैं, क्योंकि जॉइंट व्हील पे सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ होती थी, उसी भीड़ को देखते हुए इस बार दो जॉइंट व्हील लगा दिए गए हैं। तो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उन्हें मेले में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन ये गर्मियों की छुट्टियाँ, बच्चों का छुट्टियों का टाइम है, ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है। ये तो कोरोना की वजह से ये आगे पीछे हो रहा था मेला, तो जून में ये सोचो तीसरा साल है या तीसरे साल में जून में कोई मेला लग रहा है। तो राणा जी, यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और जिला वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और यमुनानगर वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पहुँचे और क्या नाम इस मेले का पूरा इंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं मोहन राणा जी की बदौलत इस मेले में हर किसी को आकर पार्टिसिपेट करने का, एंजॉय करने का मौका मिलता है। एक बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेज भी बच्चों के लिए, उनके टैलेंट को उभारने के लिए लगाया गया है, जहाँ पर छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और बाद में उन लोगों को यहाँ पर विनर को जो है विनिंग प्राइज़ भी दिए जाते हैं। तस्वीरें इस समय की लगातार आपको जिला यमुनानगर के फनफेयर मेले से दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का खासकर यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इस बार पूरे मेले में जो आर्ट एंड क्राफ्ट
क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि इस तरह का सामान खरीदने के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, सजावट का सामान आपको इस फनफेयर महोत्सव में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल सकता है। तो बढ़ती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, इस गर्मी के तापमान को कम करने के लिए आप लोग भी जिला यमुनानगर के इस फनफेयर महोत्सव में अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पहुंच सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से यहां पर आइए और मौज मस्ती का टाइम जो है वापस दोबारा से नहीं आएगा। तो इन पलों को मिस मत कीजिए, जल्दी से प्लानिंग कीजिए और आने वाले दिनों में जल्दी से फनफेयर महोत्सव में अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आकर मस्ती कीजिए। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। वीडियो